हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम बात कर रहे थे अपने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में। और लास्ट क्लास में बच्चों हमने अपना अध्याय तेरह जो है वो है हमारा ज्यामिति रचना, इसको स्टार्ट कर चुके थे। पार्ट नंबर एक में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन प्रश्नों को करा दिया है, जो कि पांच नंबर के लिए पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। वहां पर बच्चों हमने परिगत वृत्त की रचना करना और साथ ही साथ हमने अंतर्वृत्त की रचना करना सीख लिया है। आज की इस क्लास में आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो बिल्कुल बच्चों मेरे साथ आ जाइए, जुड़ जाइए और आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए तो बच्चों, आज की इस क्लास में पार्ट टू में मैं आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। और इसमें हमें अच्छे से पता है कि कोई भी फॉर्मूला नहीं आता सर, कोई भी कैलकुलेशन नहीं आता है। तो डायरेक्टली हम जाना चाहेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जो कि पूछा गया था 2018 और 2020 में, तीनों सेट में पूछा गया था, पांच पांच नंबर के। बिल्कुल सर, देख लो, आ जाओ। चलो एक बार हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या दिया गया और हमें क्या निकालना। देखो, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करना है। त्रिभुज कौन सा होगा, समबाहु होगा, विषमबाहु होगा, समद्विबाहु होगा, कुछ भी नहीं बोला गया है। तो हम अपने अनुसार से कोई सभी एक त्रिभुज बना लेंगे। बिल्कुल सर, त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। साथ ही एक और त्रिभुज बनाना है, एबीसी बनाना है, जिसमें बोला गया है कि ए बी जो भुजा है वो पी क्यू भुजा के 2/3 गुना हो। बिल्कुल सर, हमने प्रश्न को अच्छे से समझ लिया। अब इसका हम आंसर कैसे लिखे कि हमें पूरा में पूरा नंबर मिले। देखो बच्चों, जो जो हम करते जाएंगे उसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन रचना के पद भी आपको लिखना पड़ेगा। मैं यहां पर लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो बिल्कुल आज के इस क्लास में आपके पास पेन और कॉपी के साथ साथ आपका ज्योमेट्री बॉक्स, जिसमें आपका रबर होनी चाहिए, आपका पेंसिल होना चाहिए, आपका प्रकार, आपका चांदा, ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। चलो अब इसको हम बनाते हैं। देखो, मैं पहला ही क्वेश्चन को एकदम डीपली बताने वाला हूं, सेकेंड क्वेश्चन में हम इसको स्पीड से करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो क्या बोला गया है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करना है, बताया नहीं गया कि त्रिभुज कैसा बनेगा। तो हम क्या करते हैं, फटाफट मैंने यहां पर एक त्रिभुज बना लिया है। देख लो कौन सा त्रिभुज है, बोला नहीं गया है। तो हमने क्या किया, कोई सा भी माप का एक त्रिभुज बना लिया। चलो इस त्रिभुज को मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर। तो पहले स्टेप में आप क्या लिखोगे, रचना के पद में पहला स्टेप आपका क्या आएगा कि सर्वप्रथम हमने त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की। सर्वप्रथम हमने त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की, आपका पहला स्टेप हो चुका। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी हमें समझ में आ चुकी, ठीक है। फिर क्या बोला था, साथ ही एक और त्रिभुज पी एबीसी की रचना करना, जिसमें ए बी जो भुजा है वो पी की भुजा के 2/3 गुना होगा, ठीक है। चलो देखो अब यहां पर समझना, देखो ये क्यू है और ये पी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्यू से पी के यहां पर मैं ले रहा हूं दूसरी दिशा में, किसमें, दूसरी दिशा में। मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, इस बात को समझना पहले। क्यू से पी के दूसरी ओर यानी कि उस ओर मैंने यहां पर एक न्यून कोण बना दिया है। न्यून कोण का मतलब होता है बच्चों कि 0 से ज्यादा 90 से कम हमने न्यून कोण बनाने के लिए यहां पर एक किरण खींच लिया है, जिसको मैंने नाम दिया क्यू एक्स। क्या नाम दिया, क्यू एक्स दिया। तो आपका सेकेंड स्टेप में क्या आएगा कि हमने क्यू से पी के दूसरी ओर हमने एक किरण खींचा है, जिसे हमने क्यू एक्स नाम दिया। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी हमें अच्छे से समझ में आ चुकी है। बिल्कुल बच्चों, मेरा जो चित्र है वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, दिखेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास नहीं चांदा है, नहीं इसके लिए नहीं प्रकार है, आपके पास हर एक चीजें हैं। तो आपका चित्र जो बहुत अच्छे से खूबसूरत नजर आना चाहिए। कैसे दिखेगा, एक्चुअल में ये चित्र दिखेगा कैसे, इसको मैं आपको न्यू स्लाइड में दिखा दूंगा। यहां पर हम इसको अच्छे से पहले समझ लेते हैं, ठीक है। यहां तक की कहानी समझ में आ चुकी सर। देखो ठीक है, दो स्टेप बता चुका हूं। तीसरा स्टेप में आप क्या करोगे, देखो यहां पर क्या था, 2/3 था, तीन को फोकस करो, तीन को देखो, तीन देखो, फिर क्या करो, प्रकार को उठाओ बच्चों। बिल्कुल, प्रकार को उठाओ और कोई सा भी माप का त्रिज्या सेट करो आपके अनुसार, कोई सा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कितने भी सेंटीमीटर का आप त्रिज्या सेट कर लो, और उस प्रकार के नुकले वाले सिरे को यहां पर रखो, क्यू पर रखो, और इधर समान लंबाई के हम तीन चाप काटेंगे। सर तीन ही क्यों काटेंगे, क्योंकि यहां पर नीचे में क्या था, तीन है, फिर पांच आएगा। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन करूंगा, वहां पर पांच आएगा, जहां पर हम पांच समान लंबाई के चाप काटने वाले हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, थर्ड स्टेप में देखो, थर्ड स्टेप में अच्छे से सुनना, अपने प्रकार को उठा और यहां पर रखो क्यू पर। अब कोई सा भी माप का आप लोगे त्रिज्या, ठीक है, कोई सा भी माप का आप त्रिज्या लोगे, 2 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर का, जैसा आपको ठीक लगे। तो आप क्यू एक्स, किरण क्यू एक्स की तरफ आप क्या करोगे, समान लंबाई के तीन चाप काटने वाले हो। देखो तीन चाप कैसे काटोगे, ये पहला चाप होगा, फिर
तीन चाप कैसे काटोगे? ये पहला चाप आपका कट चुका, ठीक है सर। फिर प्रकार को यहां से उठाकर आप यहां पर रखो, यहां पर रखे सर। अब इधर की ओर नीचे की ओर आप फिर से एक चाप काटोगे, बिल्कुल यहां पर आप त्रिज्या को बदलोगे नहीं, ठीक है। प्रकार को नुकीले वाले सिरे को यहां पर रखा, अब नीचे की ओर हमने यहां पर एक चाप कर दिया, दो चाप आपके कर चुके। प्रकार को यहां से उठाकर अब यहां पर रख दो, यहां पर रखकर आप ऐसे एक चाप काटोगे नीचे की ओर समान लंबाई की। यहां पर सर मैंने एक और चाप काट दिया, ठीक है। हमने तीन चाप काट दिए, तीनों कटान बिंदु को चलो हमने नाम दे दिया Q1, Q2 और इसको मैंने नाम दे दिया Q3। बिल्कुल बच्चों हमने 50% काम कर लिया है, 50% हमने अपना काम कर लिया है। देखो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आप Q3R को मिला दो। Q3R को हमने सर अच्छे से मिला दिया, बिल्कुल सर मिला दिया, ठीक है ना। बिल्कुल स्केल से करना, नाप कर करना है अच्छे से, ठीक है। देखो यहां तक की सर कहानी हमें समझ में आ चुकी। अब देखो, अब यहां पर देखो, यहां पर जो मैं बताने वाला हूं वो अधिकांश बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहां पर मुझे क्या करना है, Q2 से मुझे Q3R के समांतर एक रेखा खींचना है। मैंने क्या बोला कि Q2 से, सर Q2 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखो ऊपर में क्या था बच्चों, दो था, तो मैं किसको लूंगा, Q2 को लूंगा, ठीक है। अगर वहां पर एक बटा तीन रहता तो मैं Q1 से लेता। तो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, इस बात को सुनना, तो Q2 से मुझे Q3R के समांतर एक रेखा खींचनी है। अब समांतर रेखा हम बनाते कैसे हैं, देखो, ठीक है। चलो अब अपने लो प्रकार को कहां पर लोगे, प्रकार को लोगे, प्रकार को ले लिए, प्रकार को लो, कोई सा भी त्रिज्या का आप नाप करो, कोई सा भी त्रिज्या ले लो, ठीक है। अब प्रकार को यहां पर रखो, कहां पर रखोगे, Q3 पर रखोगे, कहां पर रखोगे बच्चों, Q3 पर रखो। अब नुकुले वाले भाग को Q3 पर रखे, अब कोई से भी हम त्रिज्या सेट करेंगे और यहां पर मैं एक ऐसा चाप काटने वाला हूं, देख ला सबको दिख रहा है, Q3 को मैं, हमने प्रकार को कहां पर रखा, ये Q3 पर रखा हूं और यहां पर रखकर मैं ऐसा एक चाप काटने वाला हूं कुछ इस प्रकार से। देखो मैंने यहां पर एक चाप काट दिया, बिल्कुल आपको इस प्रकार से चाप कटा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। चलो फिर क्या करोगे बच्चों, देखो अब अपने प्रकार को Q3 से उठाकर Q2 में डालो, कहां पर डालो, ये Q2, देखो ये मेरा हाथ जो है ये मेरा क्या है, प्रकार है, देखो ये मेरा अंगूठा जो वो नुकीला वाला सिरा है, अपने नुकीले वाले सिरे को Q2 पर रखो और समान लंबाई के यानी समान त्रिज्या को चेंज नहीं करना है। फिर से आप ऐसा एक चाप काट दोगे, कैसा काटोगे, ये इस प्रकार से सर हमने यहां पर एक और चाप काट दिया, दो चाप हमने काट दिया, बिल्कुल सर यहां तक की कहानी समझ में आ चुकी है। अब अपने प्रकार को Q2 से उठाओ और त्रिज्या सेट करो, कैसे त्रिज्या सेट करोगे, देखो त्रिज्या सेट करना है, देखो प्रकार को यहां पर रखो और उसको फैलाओ, यहां तक फैलाओ, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी का आप क्या करोगे, त्रिज्या लोगे। इस बात को नोटिस करना बच्चों, प्रकार को यहां पर रखोगे और यहां से यहां तक इसको फैलाओ, तो इसी को आप त्रिज्या सेट करोगे, उतने ही त्रिज्या को उसको लेकर आप कहां पर रखोगे। अब प्रकार को ला लो यहां पर, कहां पर ला लिए, नुकुले वाले भाग को सर हमने यहां पर ला लिया और एक हम ऐसे हमने बना दिया चाप काट दिया, क्या काट दिया बच्चों, चाप काट दिया। देखो अब क्या होगा, अब देखो अब मजा आएगा कहानी, अब मजा आएगा। देखो अब क्या करोगे, Q2 से मुझे बनाना था ना समांतर रेखा, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको समांतर रेखा दिखने वाली, कुछ इस प्रकार से दिख लो, बिल्कुल अगर आपने नाप कर बनाया हुआ है तो हमने यहां पर Q2 से Q3R के समांतर एक रेखा बना दिया है, जो कि Q3R को चलो मान लेते हैं कि C पर काट रही है, कहां पर काट रही है बच्चों, Q3R को C पर काट रही है, बिल्कुल आपका 80% आपका काम हो चुका है, ठीक है। स्टेप्स आप कंस्ट्रक्शन खुद से लिखना है, अच्छे से जमा कर लिखना है, ठीक है सर। यहां तक के कारण में अच्छे से समझ में आ चुकी है, हमें तो बनाना था त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी सर तो दिख नहीं रहा है, बिल्कुल दिखेगा, अभी दिखेगा, धैर्य बना के रखो, ठीक है। चलो अब देखो प्रकार को लो, प्रकार को वापस लाओ, प्रकार को वापस लाओ। अब देखो प्रकार को रखो ए पर, नुकीले वाले भाग को ए पर नहीं, सॉरी ए आर पर रखो, आर पर रखो, नुकीले वाले भाग को कहां पर रखोगे, आर पर रखोगे, आर पर रखकर कोई सा भी त्रिज्या सेट कर, कोई सा भी त्रिज्या सेट कर आप ऐसा रखोगे, ये हमारा अंगूठा जो है आपका प्रकार का नुकीला वाला भाग है, ये ऐसा मैंने सेट किया और यहां हम ऐसे एक चाप काटने वाले हैं कुछ इस प्रकार से, ये मैंने सर चाप काट दिया, इसी प्रकार से आपको भी चाप काटना, बिल्कुल सर चाप हमने काट दिया, ठीक है। चलो उसके बाद अपने प्रकार को R से उठाकर ये बिंदु C पर ले आओ, कहां पर ले आओ, C पर ले आओ, बिल्कुल त्रिज्या को चेंज नहीं करना, त्रिज्या उतना ही रखना है। अब यहां पर इसको C पर रखा, प्रकार के नुकीले वाले भाग को मैंने C पर रखा और एक ऐसा चाप हमने यहां पर एक और बना दिया, देख लो ये बन क्यों रहा है ऐसा, ठीक है बनेगा, एक सेकंड, ये ऐसा, ठीक है मैं यहां पर ऐसा बना देता हूं, ये
ये कुछ इस प्रकार से चाप कटने वाला है। दो चाप मैंने और काट दिए, ठीक है। अब अपने प्रकार को सी से उठाकर यहां पर रखो। कहां पर रखा सर? यहां पर रखा, ठीक है। अब देखो यहां पर रखने के बाद मैं क्या कर रहा हूं समान, अब यहां पर देखो, यहां से एक मिनट ध्यान देना, सिर से उठाकर ना अब यहां पर ला लो प्रकार को, यहां पर ला लो। अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी का आप लो त्रिज्या। क्या लो? त्रिज्या लो। यहां से लेकर यहां तक की सर दूरी का हमने त्रिज्या लिया। अब प्रकार को, प्रकार के त्रिज्या को चेंज नहीं करना, मैं उठाकर यहां पर ला लिया। अब हम यहां पर एक ऐसा आर्क बनाने वाले, चाप काटने वाले, ऐसा चाप कटेगा। बिल्कुल सर, ऐसा चाप कट चुका है। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं जो है वो यहां पर पी आर के समांतर, मैं क्या कर रहा हूं, सी से होकर जाने वाली पी आर के समांतर मुझे एक रेखा खींचनी है, इसलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूं। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी समझ में आ चुकी है। अब ये देखो दोनों हमने जो चाप काटा हुआ था उसके कटान बिंदु को सी से हम ऐसा गुजारेंगे तो बिल्कुल मुझे पी आर के समांतर यहां पर एक रेखा दिखने वाली है। पी आर के समांतर सर मुझे एक रेखा दिखने वाली है। चलो मैंने इसको नाम दे दिया ए। क्या नाम दे दिया? ए नाम दे दिया। अब यहां पर सी मिल गया, यहां पर ए मिल गया। क्यों? क्योंकि जगह हम यहां पर ब्रेकेट में भी लिख सकते हैं, बी लिख दिया मैंने, बी भी लिख दिया। अब आपको यहां पर त्रिभुज ए बी सी दिख रहा है, देखो त्रिभुज ए बी सी। और यही तो हमें बनाना था ना कि त्रिभुज एबीसी की रचना करना, जिसमें एबी जो भुजा है ना, एबी जो भुजा है वो पीक्यू भुजा के 2/3 गुना, पूरा आपका 100% काम हो चुका है। इतना इजी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, कुछ भी नहीं करना। 5 मिनट में आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। अब आपने जो काम किया है उसी को आपको स्टेप्स आप कंस्ट्रक्शन में लिखना होगा। बिल्कुल बच्चों, अगर आपने एकदम हर एक चीज को नाप कर बनाया हुआ है तो आपका जो चित्र है वो खूबसूरत से नजर आने वाला है, कुछ इस प्रकार से नजर आने वाला। बिल्कुल ये देख लो, इस प्रकार से हमारा चित्र नजर आने वाला है। ऐसा आपका अगर चित्र दिख रहा है तो बिल्कुल आपने ईमानदारी पूर्वक अच्छे से अपना काम किया हुआ है। और यहां पर एक स्लाइड में आपको दिख रहा है रचना के पास, जो कि मैंने पहले से लिख कर रखा हुआ है आपके टाइम को बचाने के लिए। चलो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की। त्रिभुज कौन से प्रकार का ये बोला नहीं गया था, तो हमने क्या किया, कोई से भी प्रकार का हमने एक त्रिभुज बना लिया। सर्वप्रथम त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कर ली। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी कंप्लीट थी। फिर देखो हमने क्या कहा था कि क्यों से पी के दूसरी ओर, ये क्यों था और ये पी था, क्यों से पी के दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई एक हमने किरण क्यू एक्स खींचा। क्यों से पी के दूसरी ओर न्यून कोण बनाते हुए हमने एक किरण खींचा जिसका नाम पड़ा क्यू एक्स। क्या नाम पड़ा बच्चों? क्यू एक्स नाम पड़ा। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी भी समझ में आ चुकी थी। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, क्यू एक्स पर समान त्रिज्या के 3 चाप काटे थे जिसे क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री नाम दिया था। हमने प्रकार को यहां पर रखा था तो समान त्रिज्या को लेकर समान लंबाई के हमने 3 चाप काटे थे। मैंने आपको कर बताया भी था, ठीक है। चलो सर, हमने यहां पर थर्ड स्टेप को भी समझ लिया, ठीक है। अब देखो चौथा स्टेप में क्या था, क्यू थ्री को आर से मिलाया। हमने क्या किया था, क्यू थ्री को आर से मिलाया था ना, क्यू थ्री को हमने आर से मिलाया था। बिल्कुल सर, हमने मिलाया था। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, क्यू टू से क्यू थ्री आर के समांतर रेखा खींची जो क्यू आर को सी पर प्रतिच्छेद करती है। मैंने आपको बताया था समांतर रेखा कैसे खींचना है, हमें क्यू टू से एक समांतर रेखा खींचनी है। किसके समांतर? ये क्यू थ्री आर के समांतर रेखा हमने खींच दिए जो कि क्यू आर को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करती। बिल्कुल सर, यहां तक की भी कहानी क्लियर है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, आरपी के समांतर एक रेखा खींची। ये जो आपको आरपी दिख रहा है ना, आरपी के समांतर हमने बिंदु सी से एक रेखा खींची। बिंदु सी से हमने एक रेखा खींची है, एक समांतर रेखा खींची है। बिल्कुल सर, यहां तक की भी कहानी क्लियर है। और ये जो है, ये जो रेखा है वो एसी जो है वो यहां पर देखो इस भुजा पी क्यू को ए पर काटती है। कहां पर काट रही बच्चों? ए पर प्रतिच्छेद करती है, लिखा भी गया है। अतः त्रिभुज ए बी सी ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं की 2/3 है। क्या बोला था? 2/3 बोला था ना, यहां पर देखो 2/3 बोला था, तो 2/3 है। अब यहां पर बोला गया लास्ट स्टेप में, इसलिए यहां पर बोला गया है त्रिभुज एबीसी अभिष्ट त्रिभुज है, यानी कि जो हमें त्रिभुज बनाने के लिए कहा गया था त्रिभुज एबीसी, यहां पर आपको दिख रहा है त्रिभुज, ये ए हुआ, ये हुआ बी और ये हुआ आपका सी, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10 स्टार लगा के रखना है। अगर आपने पूरा चित्र अच्छे से एकदम नजर करके बनाया हुआ, नाप कर बनाया हुआ, तो आपका चित्र कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। मैंने
मेरे पास कुछ था नहीं, तो मेरा जो चित्र है फिर भी अच्छा ही दिख रहा है, आपसे अच्छा ही दिख रहा है। अगर आपने बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक नहीं बनाया होगा तो आपसे अच्छा दिखेगा मेरा वाला ये वाला जो चित्र है। अगर आपने ईमानदारी पूर्वक बनाया तो इससे आपका अच्छा दिखने वाला चित्र कुछ इस प्रकार से नजर आने वाला। बिल्कुल सर, हमने एक क्वेश्चन को समझ लिया। इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन आपको बताने वाला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला। चलो आ जाओ। चलो तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देख लो। चलो, पूछा गया 2019 सेट एबीसी 5 नंबर के लिए, सन 2019 में पूछा गया था 5 नंबर के लिए, तीनों सेट में कुछ भी दम नहीं है। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना उसी प्रकार से बनने वाला, देखो आ जाओ। चलो क्या बोला, क्या करना है इसको एक बार पढ़ लेते हैं, देख लो आ जाओ। एक त्रिभुज पी क्यू आर की हमें रचना करना है जिसमें क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर। अब की बार दिया गया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में नहीं बताया गया था कि भुजा हमें कितनी लंबाई का रखना है, कौन सा कोण बनाना है, कैसे करना, कुछ भी नहीं बताया गया था। तो डायरेक्टली हमने क्या किया था, कोई से भी माप का एक त्रिभुज बना दिया था। अब यहां पर क्या बोला गया है, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करना जिसमें क्यू आर जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है और पी क्यू जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर का है, और पी क्यू आर यानी कि कोण क्यू का जो मान है वो 60 अंश होगा। साथ ही एक और त्रिभुज एबीसी की रचना करना है जिसमें एबी बराबर 2/5 पी क्यू, एबी जो भुजा है वो पी क्यू भुजा के 2/5 भाग हो या फिर गुना हो। चलो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर त्रिभुज बनाने वाले हैं। देखो कैसे बनाएगा, सर्वप्रथम आप क्या करो, स्केल की सहायता से स्केल लो, स्केल लेकर आप क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर की आप रेखा खंड खींचोगे। बिल्कुल यहां पर मैंने 5 सेंटीमीटर की रेखा खंड खींच लिया। चलो इसको मैं नाम दे देता हूं पी क्यू, ये हो चुका बच्चों पी, और ये हमारा हो चुका क्यू। ठीक है, कितना है 5 सेंटीमीटर का हमने यहां पर रेखा खंड कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखो फिर क्या बोला था, क्यू आर 6 सेंटीमीटर। अब अपने प्रकार को लो और 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या सेट करो और उसको रखो क्यू पर, नुकीले वाले भाग को कहां पर रखोगे, क्यू पर रखोगे। अब क्यू पर रखकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर आप ऊपर की ओर कुछ इस प्रकार से चाप काटोगे, कुछ इस प्रकार से आपका चाप कटने वाला, चाप सर हमने काट दिया। ठीक है, फिर पी क्यू आर जो है वो 60 अंश का होना चाहिए। अब चांदे को उठाओ और चांदे के मध्य बिंदु को कहां पर रखो, ये क्यू पर रखो, क्यू पर रख कर 60 अंश का कोण बना दो। तो कुछ इस प्रकार से आपका 60 अंश का कोण बनने वाला है। दोनों के कटान बिंदु को चलो हमने नाम दे दिया, ये पी हो चुका, क्यू हो चुका, तो इसको मैंने नाम दे दिया आर। बिल्कुल, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, मैंने आर को पी से मिला दिया, मैंने बच्चों आर को पी से मिला दिया। तो यहां पर डायरेक्टली आप लिखना चाहोगे कैसे लिखोगे, स्टेप्स आप कंस्ट्रक्शन में कैसे लिखोगे, सर्वप्रथम हमने त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की जिसमें क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी क्यू आर बराबर, कोण पी क्यू आर बराबर 60 अंश। डायरेक्टली पहला स्टेप, यह पूरा पहला स्टेप आपका आएगा। अलग अलग ऐसा नहीं लिखोगे कि सर्वप्रथम हमने इसके की सहायता से क्यू पी बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ऐसा करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, वैसा आप कब में करते हो, जब आप परिगत वृत्त या फिर अंतर्वृत्त की रचना करते हो। डायरेक्टली आपको लिखना है कि सर हमने सर्वप्रथम त्रिभुज PQR की रचना की जिसमें QR बराबर 6 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण PQR का मान है 60 अंश। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी हमें समझ में आ चुकी है। अब देखो, अब अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही इसको सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, क्यू आर के दूसरी ओर न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचेंगे। मैंने क्या बोला, दूसरा स्टेप में आप क्या लिखोगे कि क्यू आर से दूसरी ओर न्यून कोण बनाते हुए हम एक किरण खींचेंगे। बिल्कुल, न्यून कोण बनाते हुए यानी कि 90 से कम और 0 से ज्यादा। ठीक है, ये हो चुका क्यू, एक से हमने एक किरण खींच लिया सर। ये आपका दूसरा स्टेप होगा। कैसे लिखोगे कि सर हमने क्यू से पी के दूसरी ओर न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींची जिसका नाम पड़ा क्यू एक्स। क्या, क्यू एक्स नाम पड़ चुका। बिल्कुल, अब देखो फिर से वही कहानी, यहां पर नीचे में आपको दिख रहा है 5। क्या दिख रहा है, 5, यानी कि अपने प्रकार को लो और प्रकार को क्यू पर रखो। प्रकार को कहां पर रखोगे, क्यू पर रखोगे, नुकीले वाले भाग को क्यू पर रखो और क्यू एक्स की तरफ आपको समान लंबाई के 5 चाप काटना। कितने, 5 चाप काटना, समान लंबाई के 5 चाप काटो। तो कोई सा भी एक त्रिज्या सेट करो और नुकीले वाले भाग को यहां पर रखकर आप ऐसे 5 चाप काटते चलो। पहला चाप काट चुका, अब प्रकार को उठाकर यहां पर रख दो, नुकीले वाले भाग को यहां पर रखा, फिर से हम समान लंबाई के यहां पर एक चाप काटेंगे तो ये यहां पर ऐसे कटने वाला है। बिल्कुल, फिर 2 चाप कर चुके, फिर से
यहां से उठाकर प्रकार को यहां पर रखो, तीसरा चाप आपका यहां पर कट चुका, मानकर चलते हैं चौथा चाप आपका यहां पर, और मान लेते कि पांचवा चाप आपका यहां पर कट चुका। बिल्कुल नाप के करना है, ओरल नहीं करना है, बिल्कुल हर एक चीजों को एकदम नाप कर करना है। बिल्कुल आ जाओ देखो, अब देखो यह हो चुका सर हमारा तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप हो चुका। चलो चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पर देखो सबको मैं नाम दे देता हूं। देखो यह है Q1 दे दिया, इसको मैंने Q2 नाम दे दिया, इसको मैंने Q3 नाम दे दिया, इसको मैंने Q4 और इसको मैंने Q5 नाम दे दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, Q5 को P से मिला दो, Q5 को बच्चों P से मिला दो। बिल्कुल सर हमने मिला दिया, Q5 को हमने P से मिला दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना, देखो हमें यहां पर क्या बोला गया था कि 2/5 है, यानी कि मुझे फोकस करना है 2 से, किसको फोकस करना है, 2 को फोकस करना है, Q2 को फोकस करना है। अब हमें बिंदु Q2 से यहां पर Q5P के समांतर एक रेखा खींचनी है। मैंने क्या बोला बच्चों कि Q2 से Q5P के समांतर हमें एक रेखा खींचनी है, तो रेखा समांतर रेखा अब खींचेंगे कैसे, मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता चुका था, ठीक है। चलो एक बार और बता देता हूं, प्रकार को लो, प्रकार को लो, और प्रकार के नुकीले वाले सिरे को कहां पर रखोगे, ये यहां पर रखोगे, Q5 पर रखोगे, यहां पर मिला ना Q5। अब कोई सा भी माप का आप त्रिज्या सेट करो और इस प्रकार से आप ऊपर की ओर ऐसा एक चाप काट दोगे, तो कुछ इस प्रकार से आपको ये चाप दिखने वाला है। बिल्कुल ये इस प्रकार से चाप दिख गया, ठीक है। चलो अब देखो, बिल्कुल त्रिज्या को बदलना नहीं है, त्रिज्या वैसी रखना है। अब प्रकार को Q5 से उठाकर यहां पर Q2 पर ला लो, कहां पर ला लो, Q2 पर ला लो। अब समान लंबाई के समान हम त्रिज्या के क्या कर रहे हैं, यहां पर Q2 से एक चाप काटने वाले, कुछ इस प्रकार से आपका चाप कटने वाला, बिल्कुल यहां पर कटने वाला है सर, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रकार को फिर से Q2 से उठाकर कहां पर रखोगे, अब की बार Q5 पर रखे सर, बिल्कुल Q5 पर हमने रख दिया। अब Q5 से यहां तक की दूरी का आप लोगे त्रिज्या, क्या लोगे, Q5 से यहां तक की दूरी का आप त्रिज्या लोगे, त्रिज्या सेट करोगे। अब प्रकार को बिना हिलाए यहां पर आप कहां पर रख दोगे, ये यहां पर लाके रख दोगे और एक चाप आप ऐसा काटोगे, कैसा काटोगे, ये सर हमने ऐसा एक चाप काट दिया, बिल्कुल सर काट दिया, ठीक है। अब देखो हमें बनाना था Q2 से एक समांतर रेखा खींचनी थी, किसके समांतर, Q5P के समांतर रेखा खींचनी थी। अब देखो मैं क्या करूंगा, ये जो कटान बिंदु मिला है ना, इसको ऐसे मिला दूंगा, तो बिल्कुल आपको एक यहां पर समांतर रेखा दिखने वाली है। देखो ये कुछ इस प्रकार से आपको समांतर रेखा दिखने वाली है, मेरा जो है चित्र आपको समांतर नहीं दिख सकता है, लेकिन बिल्कुल आपका आपका दिखने वाला, अगर आपने नाप कर बनाया हुआ है तो बिल्कुल आपका ये जो है वो एकदम सही से समांतर दिखने वाला है, ठीक है। तो हमने क्या किया अभी तक नेक्स्ट स्टेप में कि Q2 से Q5P के समांतर हमने एक रेखा खींची है जो Q P को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है, कहां पर, बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती, बिल्कुल सर यहां तक की कहानी हमें समझ में आ चुकी है। अब देखो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हमें बिंदु सी से ये PR के समांतर एक रेखा खींचनी है। मैंने क्या बोला, बिंदु सी से ये PR के समांतर हमें एक रेखा खींचनी है, तो इसके लिए क्या करते हैं, अब अपने प्रकार को लो, प्रकार के नुकीले वाले भाग को कहां पर रखोगे, पी पर रखोगे, पी पर रखकर कोई सा भी सेंटीमीटर का आप क्या करोगे, त्रिज्या सेट करोगे और ऐसा ये नुकीले वाले भाग को मैंने ऐसे रखा और ऐसा आप एक चाप काटने वाले हो, तो कुछ इस प्रकार से आपका चाप कटेगा, ठीक है। चाप सर हमने काट दिया, बिल्कुल ठीक है। चलो अब अपने प्रकार को उठाकर, बिल्कुल हिलाना नहीं है, आपका जो है त्रिज्या वही रहने वाला है, ठीक है। तो प्रकार को पी से उठाकर सी पर रख दो, नुकीले वाले भाग को सी पर रख दो और सी पर रखकर आप समान त्रिज्या के यहां पर एक और चाप ऐसे काटने वाले। सर हमने यहां पर एक और चाप काट दिया, बिल्कुल काट दिया, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से बनाता हूं, देखो ये कुछ इस प्रकार से समान लंबाई त्रिज्या के आपको यहां पर एक चाप काटना है, तो कुछ इस प्रकार से आपका यहां पर ये चाप कटने वाला, बिल्कुल सर काट दिए, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अपने प्रकार को अभी यहां पर था सी पर था, सी से हटाकर यहां पर रखो और यहां से नुकीले वाले भाग को यहां पर रखो, अपने पेंसिल को फैलाओ, तो कहां तक फैलाओगे सर, यहां तक फैलाओगे, तो इतना आप अब क्या करोगे, त्रिज्या सेट करो, यहां पर रखे नुकीले वाले भाग को, पेंसिल को फैलाया, तो इतने नाप का हमने त्रिज्या सेट कर लिया, इतने नाप का हमने त्रिज्या सेट कर लिया। त्रिज्या सेट करने के बाद उसको प्रकार को यहां पर लाओगे और यहां पर लाकर उतने ही लंबाई का त्रिज्या जो लिया हुआ था ऐसा आप यहां पर चाप काट दोगे, बिल्कुल सर यहां पर ऐसा चाप दिखने वाला है। अब देखो दो जोड़ों जो चाप मिले थे उसके कटान बिंदु को मिलाते हुए, बी सी से मिलाते हुए हम यहां पर एक रेखा बनाएंगे जो कि आपको बिल्कुल बिल्कुल आपको PR के समांतर रेखा दिखने वाली है, जो कि QR को बिंदु
ए पर प्रतिच्छेद करती है, कहां पर, बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है, पूरा आपका 100% काम हो चुका है। यही अभीष्ट त्रिभुज ए, और यहां पर आप दे दो ब्रैकेट में बी, यही त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें ए बी जो है वो पी क्यू भुजा के 2/3 है, 2/5 है, सॉरी 3 नहीं है, 5 है ना, 2/5 है। यह आपका पूरा 100% काम हो चुका है। तो बच्चों अगर आपने हर एक चीज को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक नाप नाप कर बनाया हुआ है तो आपका जो चित्र है ना कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। देख लो कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है, जो आपका जो चित्र दिखने वाला है ये इस प्रकार से दिखने वाला है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब देखो एक बार, चलो हम इसका रिवाइज भी कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहां पर मैंने पहले से रचना के पद भी लिख कर रखे हुए टाइम को बचाने के लिए, अगर मैं हर एक चीजों को लिखते रहूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो अब इसको हम समझते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया था, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना किए थे, जिसमें क्यू आर जो है वो 6 सेंटीमीटर था, पी क्यू जो था वो 5 सेंटीमीटर था, और कोण पी क्यू आर का मान था 60 अंश था। बिल्कुल सर हमने यहां पर ये स्टेप किया हुए थे, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमने क्या किया था कि ये जो क्यू है ना, क्यू आर के दूसरी ओर हमने न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींची, क्यू एक से खींचा, ठीक है। यहां पर लिखा गया है कि क्यू बी से आर के दूसरी ओर एक न्यून कोण बनाते हुए एक किरण क्यू एक से खींचा। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया था, अब क्यू एक से पर 5 बराबर चाप काटे, जिससे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 नाम दिए। यहां पर देख सकते हो कि हमने 5 बराबर लंबाई के चाप काटे हैं, जिससे हम Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 हमने नाम दिया हुआ। बिल्कुल सर यहां तक की कहानी में समझ में आ चुकी थी। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, अब Q5P को मिलाकर इसके समांतर Q2 से रेखा खींचते हैं, जो PQ को C पर काटती है। देखो हमने क्या किया, Q5 को हमने मिलाया और Q2 से Q5P के समांतर हमने एक रेखा खींची, जो QP को कहां पर काट रही है, C पर काट रही है। बिल्कुल सर यहां तक की भी कहानी क्लियर है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, अब सी से पी आर के समांतर, अब देखो ये आ चुका हमारा सी, सी से ये पी आर के समांतर हमने एक रेखा खींची, जो क्यू आर को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद कर रही है। कहां पर बच्चों, बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है, बिल्कुल हमने यहां पर लिखा हुआ है उसको। फिर लास्ट स्टेप में क्या है, अतः अभीष्ट त्रिभुज ए बी सी है, अतः अभीष्ट त्रिभुज ए बी सी हमें प्राप्त हो चुका है, ये ए बी सी, जिसकी जिसकी जो ए बी भुजा है वो पी क्यू भुजा के, ए बी जो भुजा है वो पी क्यू भुजा के 2/3 है, 2/5 है, सॉरी 2/5 है ना, तो 2/5 है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 सेट एबीसी 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो बच्चों मैंने टोटल इस अध्याय में आपको 5 क्वेश्चन करा दिया, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दिया। बिल्कुल पांचों में से कोई ना कोई एक एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलने वाला है 5 नंबर। यहां से क्या होता है, आपको तो एक क्वेश्चन पूछ जाएगा, लेकिन लेकिन वो क्वेश्चन जो रहेगा वो अथुआ में रहेगा, यानी कि 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से किसी एक का ही आपको एंसर देना होगा। तो हर बार क्या होता है, एक जो क्वेश्चन रहता है ना वो आपका अंतर्वृत्त या फिर परिगत वृत्त की रचना कीजिए यहां से पूछता है, और एक जो क्वेश्चन रहता है आज जो मैंने क्वेश्चन कराया उस टाइप का रहता है। तो मैं आपको टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन करा दिया आज के, मैंने पहला टाइप के क्वेश्चन कराया, और इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 में अंतःवृत्त और परिगत वृत्त की रचना करना भी सीख लिया। तो इस तरह से ये जो हमारा अध्याय चल रहा था, ज्यामिति रचना अध्याय 13, आज ये कंप्लीट होता है, और हमारा जो इकाई चल रहा था इकाई नंबर 5 ज्यामिति, आज ये कंप्लीट होता है। तो वापस से बच्चों हमने 12 नंबर की तैयारी कर लिया है, इकाई 5 से 12 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने 5 जो है हमारे इकाई कंप्लीट हो चुके हैं, 2 हमारे इकाई और बच चुके हैं, ठीक है, उसको भी हमने नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल पढ़ते रहना, बिल्कुल आपका एग्जाम आपके पास आ चुका है, तो बिल्कुल पढ़ते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।